इस वीडियो के अंदर हम सब टोटल और एग्रीगेट फंक्शन पे का थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों फंक्शंस में से कौन सा फंक्शन ज़्यादा यूज़फुल है और हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये काम किस तरीके से कर सकते हैं अच्छा ये सबसे पहले तो हम ये ज़रा देख रहे थे हैं कि जो सब टोटल फंक्शन है सब टोटल फंक्शन के अंदर तकरीबन ग्यारह फंक्शन हैं जो कि हम लोग सकते हैं ग्यारह कैलकुलेशन हैं जो कि हम लोग कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर देखें मुझे इनका साम लेना है और मेरे पास जो वैल्यू जो ऑपरेशंस हैं या कैलकुलेशंस हैं वो कौन सी हैं एवरेज है काउंट है अकाउंटे एसेट्रा एसेट्रा और यहाँ पर इसका ये कोड नंबर ये नंबर लिखा हुआ है तो अगर हम इसके सेंटेक्स को देखें यहाँ पर फंक्शन नंबर और ये रेफरेंस तो जो भी मैं फंक्शन यहाँ पर जो भी नंबर मैं सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं जो रेफरेंस दूंगा तो उस रेफ़रेंस पे वो ऑपरेशन अप्लाई हो जाएगा और रिज़ल्ट हमारे सामने आ जाएगा राइट right? इसी के नीचे अगर आप गौर से देखें मेरे पास जो एक है जो कि 101 से शुरू होकर 111 तक ख़त्म हो रही है और ये वही तमाम ऑपरेशन हैं जो कि ऊपर दिए गए हैं लेकिन इनके जो नंबर हैं वो थोड़े से फ़र्क हैं एक जगह पे 9 है तो यहाँ पर 109 है दोनों सम करते हैं लेकिन जब हम 109 सेलेक्ट करते हैं तो इसका जो सब टोटल का जो बिहेवियर होता है तब्दील तो हो जाता है जैसे कि मिसाल के तौर पे अब मैं 109 नौ को सिलेक्ट करने के बाद मैं ये इसको रेंज दे देता हूँ अब यहाँ पर मैंने कुछ रेंज दी तो मेरे पास जो वैल्यू ये आ गई ये वैल्यूज़ आ गई ठीक है ये इसका सम आ गया लेकिन यहाँ पर गौर से देखें कि मैंने कुछ जो रोज़ हैं वो हाइड की हैं जैसे ही मैं इस हाइड करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर देखें तो आप गौर से देखिएगा कि ये वाली जो सम है उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली आ जाएगी और ये हमारे पास थोड़ी सी तब्दीली आ गई और इस ये तब्दीली किस वजह से आई कि ये वो जो वैल्यूज़ हैं जो कि हिडन थी जो कि पहले सम के अंदर शामिल नहीं थी वो अब इस सम के अंदर शामिल हो गई राइट तो जब हम सम का जो फंक्शन नंबर नाइन है उसको इस्तेमाल करते हैं तो सम तो करता है लेकिन अगर वो रो छुपी भी हो जैसे कि अगर मैं सिर्फ इसको आ, मैं अब नॉ कर देता हूँ जैसे मैंने इसको नॉ किया और नो करने के बाद मैंने इसको एंट्री कर दिया और मैं अब आ, इसको हाइड करता हूँ कुछ वैल्यूज को जैसे मैंने कुछ ये वैल्यूज़ हाइड कर ली और इसके बाद मैं आ, ये देखा तो इस फंक्शन की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा ठीक है लेकिन जब मैं इसको वन ऑन नाइन करूँगा तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पर फ़र्क हो जाएगा राइट right. तो एक तो आ, सब टोटल का ये है लेकिन जो आपका एग्रीगेट फंक्शन है उसके अंदर आ, थोड़ी सी फंक्शनैलिटी ज्यादा है इस्तेमाल ऐसे ही होता है वो जो इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा फर्क है अच्छा जी फर्श करें मैं एक एरर वैल्यू जो है वो यहाँ पर आ, इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ तो मैं अब क्या कर रहा हूँ कि इसको मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी कर दिया ताकि हम ये देख सकें कि इसका जो इम्पेक्ट है वो सब टोटल फंक्शन पे क्या आ रहा है अच्छा अब यहाँ पर देख एर था किसी वजह से भी आ सकता था तो इसकी वजह से जो सब टोटल का जो बिहेवियर है वो ये हुआ कि यहाँ पर जो पहले वैल्यू थी जो कैलकुलेशन हुई थी वो अब कैलकुलेशन पूरी वो इस एरर की वजह से अब अगर मैं एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ राइट right? अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है एग्रीट फंक्शन ये मैंने एग्रीगेट फंक्शन लिखा और मैंने अब सम करना है तो सम की जगह पे और नाइन के साथ मैंने अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ गए अब यहाँ पर ऑप्शंस देखें कितनी है यहाँ पर हमने क्या करना है इग्नोर एरर वैल्यूज़ हैं इग्नोर हिडन रोज एंड एरर रोज हैं इग्नोर नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट एंडक्शन हैं अगर दरमियान में कोई सब टोटल भी लगा हुआ है या एग्रीगेट फंक्शन की वैल्यू भी है तो उसको भी इग्नोर किया जा सकता है लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं हम कहते हैं इग्नोर हिडन रोज़ एंड एरर वैल्यूज़ इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं राइट और मैंने इसको क्या कर दिया मैंने इसको आ, और साथ ही मैंने यहाँ पर एक और चीज़ देनी है वो क्या है वो रेंज है ये मैंने इसको रेंज दे दी अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि सम करना है ऑप्शन हमारे पास सात है जिसका मतलब है कि एरर वैल्यूज़ अगर हैं तो वो उनको इग्नोर किया जाए और अगर हिडन रोज हैं तो उनको इग्नोर करना है और किस रेंज पे करना है इस रेंज के ऊपर करना तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पर देखें वैल्यू आ गई तो जो नॉट एप्लीकेबल है उसको वो भी इग्नोर हो गया और जो कुछ वैल्यूज़ जो यहाँ पर जो कुछ रोज जो वो भी आपकी इग्नोर हो गई अब अगर मैं इसको अनहाइड कर देता हूँ जैसे कि मैं आप करने जा रहा हूँ मैंने अनहाइड किया तो यहाँ पर देखें हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि Uh, in comparison with the सब टोटल एग्रीगेट function, uh, थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल फंक्शन है उसके अंदर जो ऑप्शनज हैं uh, वो uh, ज़्यादा हैं अगर एर भी ignore कर सकता है hidden values हैं उनको भी ignore uh, कर लेता है और अगर sub-total कोई given है तो उनको भी ignore कर सकता है जबकि सब टोटल के अंदर सिर्फ एक ही काबिलियत है या एक ही फंक्शनैलिटी है वो ये है कि अगर आप हिडन रोज़ Uh, को इग्नोर करना चाहें तो उसके लिए आपके पास जो कोड है वो वन और नाइन है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये वो डिफरेंस uh, है uh, जो कि सब टोटल और एग्रीगेट uh, फंक्शन में है